हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। गांव अरड़बाड़ा स्थित में शीतला सप्तमी के उपलक्ष में मेला आयोजित हुआ, जिसमें हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर लिया भाग। मेला महोत्सव के एक दिन पहले रात्रि में विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें भजन गायक कलाकार नीता नायक एवं गुमान गहलोत द्वारा माता रानी के सुंदर भजनों की प्रस्तुति पेश की गई। कार्यक्रम में गांव के सैकड़ों लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। वहीं गुरुवार की सुबह माँ शीतला के दरबार में आसपास के कई गांवों से माता के दर्शन एवं मेला महोत्सव का लुत्फ उठाने के लिए हजारों की तादाद में लोगों ने मेला महोत्सव में भाग लिया। ग्राम पंचायत अरड़वाड़ा के सरपंच मुकेश राणा ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम पंचायत द्वारा मेला महोत्सव में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह पीने के पानी हेतु पानी के कैंपर की व्यवस्था की गई है। तो वहीं ग्राम विकास अधिकारी रंजीत मीना ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम पंचायत द्वारा मेला महोत्सव को ध्यान में रखते हुए मंदिर परिसर सहित आसपास के क्षेत्र की साफ सफाई करवाई गई थी। वहीं कोरोना महामारी के पश्चात 2 साल से बंद मेले में इस बार श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए लोगों ने हाट के अंदर खरीदी करने लगे और लोगों ने खरीदी करके बच्चों के लिए खिलौने खरीदे और सगा संबंधी और ने मिलकर खुशी मनाई और पाटी पालना झूले सभी लोग खुशी से अंदर बैठकर आनंद लेते हुए और 2 साल से शीतला माता का मेला आयोजन हुआ उसमें लोगों को खुशी हुई और रात्रि भजन संध्या भी हुई थी। लोगों को खुशी हुई। पहले से ही चिकित्सा विभाग पुलिस प्रशासन सहित पंचायत द्वारा संपूर्ण व्यवस्था की गई, जिससे मेले में आने वाले किसी भी श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़े। मेले महोत्सव में देखा गया कि हर समाज ने बढ़ चढ़कर बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कई शरबत तो कई ठंडे पानी की व्यवस्था की गई थी। बीते 2 वर्षों के बाद इस वर्ष भरे मेले को लेकर प्रशासन की तरफ से सतर्कता बनी रहे और हर गतिविधि पर पैनी नजर बनाए रखे। मेले में हजारों श्रद्धालुओं के भाग लेने पर वाहनों की तादाद का पहले से ही अनुमान होने के कारण पुलिस प्रशासन पालडी एम के द्वारा पार्किंग की विशेष व्यवस्था की गई, जिसमें मेले में किसी भी प्रकार से यातायात व्यवस्था बाधित नहीं हुई एवं प्रशासन द्वारा माकूल व्यवस्था बनी रही। जागरूक टीवी की पोसालिया से कल्पना मालिक की रिपोर्ट।